हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम मोतीलाल ओसवाल मल्टीकैप 35 के ग्रोथ और रेगुलर प्लान की हम आज एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए, जब भी मोतीलाल ओसवाल जो फंड हाउस का नाम आता है तो बहुत ही रिस्पेक्ट आता है, क्योंकि इसके जो को फाउंडर है मिस्टर रामदेव अग्रवाल, उनके हम वीडियोस हमेशा सुनते रहते हैं। बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है उनके लिए, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से काम करते हैं। मिस्टर वॉरेन बफेट के वो बहुत ही बड़े प्रशंसक है, तो उनका जब भी इंटरव्यू आता है तो हम बहुत एंजॉय करते हैं। और इस फंड हाउस के साथ भी हम लोग का बड़ा ही रिस्पेक्ट वाला रिश्ता है, लेकिन पिछले 6 महीने में मैं बताऊं कि इस फंड ने बहुत कुछ ऊपर नीचे देखा है। थोड़ा बहुत इसका एयूएम भी कम हुआ है। मई महीने में 13,400 के आसपास एयूएम था, जो अभी कम हो गया, जो मैं आगे आपको बताऊंगा इस वीडियो में क्या क्या हो रहा है, इस फंड में क्या क्या हो रहा है इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो बेसिक एनालिसिस करेंगे कि फंड है, अगर आपके पास है तो क्या करना चाहिए, या फिर अगर प्लान कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो क्या ये फंड आपके लिए सही होगा या नहीं होगा। बेसिक फंड फैक्ट बताता हूं। देखिए, लॉन्च हुआ था अप्रैल 2014, यानी 5.5 साल हो गए हैं। दिसंबर 2019 चल रहा है, 5.5 साल हो गया है। और देखिए, 13,093 करोड़, ये नवंबर 2019 तक ये फंड मैनेज कर रहा था, लेकिन यही फिगर 13,400 करोड़ के आसपास था, यानी थोड़ा बहुत रिडेम्पशन हुआ है। एक रीजन ये भी हो सकता है कि इनके फंड मैनेजर चेंज हुए हैं, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो क्या है, रेगुलर में है तो 1.86%, डायरेक्ट प्लान में जाएंगे तो खर्चा कम होता है 0.96%। ये इसीलिए आजकल डायरेक्ट प्लान में भी बहुत लोग आजकल इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको भी फोकस है। रीजन यही होता है डायरेक्ट प्लान में कि आपको किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू नहीं जाना होता है, लेकिन रिस्क आप खुद लेते हैं तो आपको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं होता है, वो उसका एक नेगेटिव साइड भी होता है। टर्नओवर 31%, बहुत ही सही है। जितना कम टर्नओवर हो उतना अच्छा है। म्यूचुअल फंड की भाषा में अगर हम कहें तो ये चर्निंग होता है कि भाई 200% टर्नओवर हुआ तो मतलब एक ही स्टॉक को उसने 2 बार साल में बेचा, या अपने पोर्टफोलियो को साल में 2 बार बेचा, लेकिन ये अपने पोर्टफोलियो को चेंज नहीं कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है, ये चीज समझने की जरूरत है हम लोगों को। फंड मैनेजर अभी कौन है, ये देखिए, मिस्टर आकाश सिंघानिया है अभी इसके फंड मैनेजर, मिस्टर आकाश सिंघानिया। लेकिन इन्होंने 6 महीने पहले ही इस फंड को लिया हुआ है, ये चीज आप समझ में रखिएगा, क्योंकि फंड मैनेजर जो इनके हैं वो चेंज हुए थे, मिस्टर रॉय थे वो फंड मैनेजर, चेंज हुए थे मई के महीने में। तो ये फंड मैनेजर अभी ये 6 महीने से ही देख रहे हैं, मिस्टर आकाश सिंघानिया। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, पीजीडीएम है आईआईएम लखनऊ से, और इससे पहले डीएचएफएल प्रीमेरिका जो था, जिसका नाम अभी पीजीआईएम म्यूचुअल फंड हो गया है, ICICI प्रूडेंशियल, उन सब जगह में इन्होंने काम किया हुआ है, तो अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये एक चिंता का विषय है कि नहीं, और शायद ये भी एक रीजन हो सकता है कि थोड़े बहुत रिडेम्पशन आए हैं, तो ये चीज समझना जरूरी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, मोतीलाल ओसवाल बहुत ही पुराना एएमसी है, और जैसे मैंने रामदेव साहब का नाम लिया या मोतीलाल ओसवाल साहब खुद पर्सनली, तो ये लोग बहुत पुराने लोग हैं जो यहाँ पर जो मार्केट में है, जो इक्विटी मार्केट को समझते हैं। तो अगर हम सिर्फ फंड की बात ना करें और पूरे एएमसी की बात करें, तो देखिए, ये जो 13,000 जो दिख रहा था उसमें से 10% पैसा तो उनका खुद का लगा हुआ है, यानी एएमसी वालों का लगा हुआ है, प्रोमोटर्स का लगा हुआ है। तो ये चीज समझना जरूरी है कि उनका स्किन इन द गेम है, कि वो चीज को समझते हैं। तो उनका जब खुद का पैसा लगा हुआ है तो फिर वो ज्यादा सीरियस होंगे, तो इसीलिए किसी कोई नीजर्क रिएक्शन या कोई चिंता वाला चीज नहीं होना चाहिए। थोड़ा समय देना चाहिए फंड मैनेजर को भी और फंड हाउस को भी, कि थोड़ा रिकपरेट हो सके। ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही ये इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल सीधी बात है। 35 स्टॉक में मैक्सिमम इन्वेस्ट करेंगे, आपको मैं बता दूं आज की तारीख में इसके पास 25 स्टॉक है, तो 35 स्टॉक तक ही ये जाएगा। और मल्टी कैप है तो सब कैटेगरी में जा सकता है, लार्ज कैप ले सकता है, मिड कैप ले सकता है, स्मॉल कैप ले सकता है, कोई भी सेक्टर में जा सकता है, तो ये एक एडवांटेज रहता है मल्टी कैप फंड में। देखिए, मल्टी कैप फंड में जो दूसरे अगर फंड की मैं बात करूं तो
आपको कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, जी हाँ कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप है, या फिर एचडीएफसी का इक्विटी फंड है प्रशांत जैन साहब का, तो ये दोनों बड़े फंड आते हैं जो मल्टी कैप कैटेगरी में है और इन्वेस्ट करते हैं। अब परफॉर्मेंस कैसा है अगर आपने, जी हाँ बहुत ही सिंपल वर्ड में बताऊं, अगर आपने 10,000 रुपए सिर्फ एसआईपी की होती, ठीक है, 5 साल पहले तक, 5 साल पहले, तो 6 लाख रुपए का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ होता, यानी दिसंबर 2014 से दिसंबर 2019 तक, 60 महीने 6 लाख, और उसका आज रिटर्न पॉजिटिव ही है, 7,66,787, तो रिटर्न तो पॉजिटिव है। लमसम किया होता, ज्यादा नहीं 10,000 ही किया होता, तो वही 5 साल में 17,815, ये रेगुलर प्लान के लिए बोल रहा हूँ, डायरेक्ट होता तो और ज्यादा होता, लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत लोगों ने डायरेक्ट उस समय लिया होगा क्योंकि उतना फेमस नहीं था डायरेक्ट प्लान, खैर तो उस हिसाब से। लेकिन क्या ये रिटर्न जो मिला है आपको ये काफी है? क्या इससे ज्यादा भी रिटर्न मिल सकता था? चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। ये है परसेंटेज में इसका परफॉर्मेंस। ये देखिए पहले 5 साल की मैं आपको बात कर लूं, देखिए 5 साल में इसका रिटर्न है 12.31%, तो कैटेगरी ने दिया है 3.78%, यानी ये कैटेगरी से 3.78% ज्यादा रिटर्न है, आपको बहुत क्लियरली बता दूं, और इंडेक्स से 2.84% है, यानी कि आपको जो पिछली स्लाइड में जो रिटर्न जो दिख रहा था 17,815, वो ज्यादा रिटर्न ही है, चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इंडेक्स ने भी उतना रिटर्न नहीं दिया है और इस मल्टी कैप कैटेगरी ने भी उतना रिटर्न नहीं दिया है। तो उस हिसाब से अगर मैं 5 साल या लॉन्ग टर्म की जब मैं बात करता हूं तो बिल्कुल ही ये पॉजिटिव जा रहा है। पर चिंता कहाँ हो रही है? पिछले 1 साल में फंड मैनेजर शायद चेंज हुए हैं, मार्केट कंडीशन भी टफ है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड बीट नहीं कर पा रहे, तो इसने 1 साल में रिटर्न दिया हुआ है 8.61%, लेकिन इंडेक्स ने इससे ज्यादा रिटर्न दिया है, कैटेगरी ने भी इससे ज्यादा रिटर्न दिया है, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी थोड़ा सा ऊपर नीचे है फंड। 3 साल में हम देखें 12.65% रिटर्न दिया है, बिल्कुल कैटेगरी के आसपास रिटर्न है, लेकिन बात ऐसी है कि कैटेगरी ने भी इंडेक्स को बीट नहीं किया है, क्योंकि निफ्टी इंडेक्स ही अच्छा चल रहा है, या मल्टी कैप इंडेक्स ही जो है 200 का जो है वही इतना अच्छा चल रहा है कि ये इंडेक्स को ही बीट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इसीलिए शॉर्ट टर्म में थोड़ा ब्लिप है और इसकी वजह से हो सकता है रिडेम्पशन बहुत हुए हो। चलिए आगे देखते हैं, लेकिन इंसेप्शन से इसका रिटर्न है 19.33, जो कि रिस्क पैरामीटर ये मैं बहुत देखता हूं। देखिए रिस्क पैरामीटर में थोड़ा फंड नीचे जा रहा है, ऐसा लग भी रहा है, देखिए शार्पे रेशियो जो है मैंने आपको बताया था ज्यादा होना चाहिए, इंडेक्स का 0.74 है तो इसका कम है, स्टैंडर्ड डिविएशन कम होना चाहिए तो 13.17 है तो इसका थोड़ा ज्यादा है 14.4, अपसाइड कैप्चर रेशियो मतलब मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाएगी तो ये 92 पॉइंट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट 100 पॉइंट नीचे जाएगी तो ये 100 पॉइंट ही नीचे जाएगा, तो बहुत ऐसा नहीं है कि 110 120, लेकिन ये बट मैंने इसीलिए लिखा है, देखिए ये जो बट मैंने इसीलिए लिखा है कि यही जो डेटा जब मैं 5 साल के लिए एनालिसिस करता हूँ तो उल्टे हो जाते हैं, शार्पे रेशियो भी अच्छा हो जाता है, अपसाइड डाउनसाइड कैप्चर रेशियो भी हो जाता है, तो इसीलिए जो फंड में थोड़ा बहुत खराब परफॉर्मेंस हुआ है ये पिछले 1-2 साल की ही बात है, ऐसा नहीं है कि इसने पूरी हिस्टोरिकली बहुत खराब परफॉर्मेंस दिया है, तो वो उसके लेके चिंता नहीं है। और मैंने ये क्या बताया, फंड हाउस पर भरोसा करना जरूरी है, रामदेव अग्रवाल साहब है या फिर वैसे लोगों पर आप भरोसा कर सकते। मेन पोर्टफोलियो में क्या है, देखिए सब बड़ी कंपनियां ही हैं, 25 स्टॉक मैंने जैसे आपको बताया, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी का जो ग्रुप है उस पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहे हैं, लार्सन एंड टूब्रो, मारुति सुजुकी, ऑटो सेक्टर में टर्न अराउंड की तैयारी भी है, इंफोसिस है, आइशर मोटर, आइशर मोटर मोतीलाल साहब का, मोतीलाल एएमसी का बहुत ही प्रिय रहा है ये आपको बताऊं, टीसीएस टाटा की कंपनी, बजाज फाइनेंस, तो ये बड़े नाम रहे हैं, तो ये सब फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में और लगभग ये 60% तक यही सब फंड में ही इनका है। आप क्या करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो अपना फीडबैक दीजिए कि इस फंड में आपकी क्या राय है, आपका क्या लॉन्ग टर्म रहने का है, आप लेने के लिए सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपके टाइम
के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।